बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर में आज बच्चों के मामूली विवाद में दो पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते कहासुनी पथराव में बदल गई। जानकारी है कि बाइक से गांव का ही एक बच्चा बाइक से टकरा गया था, जिसके बाद बच्चे के परिवार वालों की बाइक सवार युवक के साथ कहासुनी हो गई और कहासुनी बाद में पथराव में बदल गई। इस पथराव में चार लोग एक पक्ष के घायल हो गए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दरअसल बिजनौर के नांगल सोती थाना क्षेत्र के गाँव सोतपुरी में तेज रफ्तार बाइक ने एक छोटे बच्चे के टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने छत पर चढ़कर दूसरे पक्ष के परिवार के घर पर जमकर पत्थरबाजी की। जमकर गए पथराव में चार लोग एक पक्ष के गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम बोरा है, मदर वलगियत बोलो। बोरा जी बताइए, क्या मामला हुआ, ये पथराव कैसे हुआ? बात क्या थी कि मैं यहाँ खड़ा था, वो लड़का बाइक से जा रहा था, समझे। उसने हमारे भतीजे ने उसको रोक दिया। उन्होंने कहा यार गाड़ी ऐसे नहीं चलाते, ये हम भी उसके पीछे पीछे पहुंच गए। मैंने कहा भाई झगड़ा उगड़ा नहीं करते, बात को रफे दफे करो। वो बोल रहा उसका बाप कि कोई मर थोड़ी गया यो, उनने स्लिप ऐसे मारे कि वहाँ टायरों के निशान है, समझे। उसके बाद हमने उनको रोकना शुरू करा, भाई मैंने झगड़ा सही नहीं, वो सब 10-12-15 आदमी छत पर चढ़ के पथराव कर दिया उन्होंने, समझे। अब जब कितने लोग घायल हो गए इसमें? इसमें चार के चोट लगी हुई, एक तो वो लड़का है, एक नौसाद है, एक नौसाद की अम्मी है, एक और है कोई चौथा, समझे। तो ये चार के चोट लगी हुई जी, तो इनको रोकने की कोशिश करी मैंने, झगड़ा उगड़ा काम सही नहीं। पुलिस आई बाद में? पुलिस आई जब के पथराव उथराव रुक गया और वो पल्ली तरफ से छत कूद के दूसरे की सैयद के मकान से और पल्ली तरफ जाके वो थाने में पहुंच गया। फिर उन्होंने देखा कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते अब, क्यों, क्योंकि यहाँ भी लोग खड़े हुए थे, ऐसा तो थाने के नहीं खड़े थे, मगर उनके पथराव के सामने कोई नहीं था। तो पथराव कितना लंबा था तुम अजले से ये आप उसका अंदाजा लगा लोगे।